आज 15 अगस्त के दिन मैं सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उन माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे शूरवीर पैदा किए जो हमें आजादी दिलवा गए, जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। तो जैसा कि आज 15 अगस्त के दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इस 75वीं सालगिरह पर आजादी के जश्न को एक अमृत उत्सव के रूप में मनाएं। हर घर तिरंगे का जो भारत के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है, ये भारत ही नहीं विश्व में भी एक लहर के रूप में छाया हुआ है। तो मैं सभी भारतवासियों से ये अपील करता हूं कि 15 अगस्त आज के दिन सभी घरों के ऊपर तिरंगा फहराएं और कोशिश करें हर परिवार का एक सदस्य एक पौधा लगाए। जैसे हमें आजादी मिली तो आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उनको सलूट कर रही हैं। तो आज अगर हम 15 अगस्त को संकल्प करके एक परिवार का एक सदस्य एक पौधा लगाता है तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण रहेगा। ये हमारे समाज के लिए, भारत के लिए, विश्व कल्याण के लिए है। तो मैं इतना ही कहता हूं कि 15 अगस्त को सभी शूरवीरों को नमन करता हूं, तिरंगा फहराएं और पौधा लगाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।